गौर से देखिए इस मासूम सी बेबी गर्ल को ये पहले ही वोट आउट में बाहर हो गई अपने दरिंदे बॉयफ्रेंड की प्लानिंग और प्लॉटिंग की वजह से क्या कहना है आपको क्या? क्या आपको पता नहीं है ये आपके बॉयफ्रेंड ने प्लानिंग और प्लॉटिंग करके आपको पहले ही निकाल दिया ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए और वो गेम तक आगे पहुँच जाए और आप... का तो टाटा बाय हो गया मुझे लगता है ये उसकी प्लॉटिंग नहीं थी ये यूनिवर्स की प्लॉटिंग थी कि मैं स्पेशल अपीयरेंस स्पेशल थैंक्स टू लेखा जांबावलीकर प्रीमियर में पी आई आएगा फ़र्स्ट एपिसोड में आओगे फिर वोट आउट हो जाओगे और लास्ट एपिसोड में गेस्ट एंट्री दोगे तो आपको क्या लगता है अब आपके बॉयफ्रेंड से आप मिली तो उनमें कोई बदलाव आया है या पहले से आपको पता था कि उन्होंने आपके पीठ पीछे साजिश रची है यार उसने मेरे को पहचाना ही नहीं मतलब जो उसने एक महीने में आदमी इतना बदल सकता है और आप लोग सालों सालों के रिश्तों की बात करते हैं

यार मेरे को किसी अगर किया भी होता ना तो ये रोडीज़ है ठीक है आई वुड हैव फॉरगिवन हिम बट उसने मेरे को पहचाना नहीं ना अब आगे होगा हमारा रोडीज़ आपको लगता है ये सही किया उन्होंने आपके साथ उनको सही से नींद आती होगी रात को सुकून से वो अपने आप को आईने में देख पाएंगे आपसे नज़रें मिला पाएंगे शायद वो इसलिए आपको नहीं पहचानना चाहते थे क्योंकि उन्होंने ही आपको बाहर निकाला है वो सुकून में इधर मज़े कर रहा था इतना पता था मेरे को तो हो सकता है कि उसने मेरे को निकाला है यार आप ही बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है क्या कहना चाहती है इसके बाद आप अपना रिश्ता कंटिन्यू करेंगी मैं प्यार करती हूँ उससे करूंगी तो कंटिन्यू ये प्यार में बहकने वाली जो छोटी छोटी बेबी गर्ल्स होती है ना इनके दिल बहुत जल्दी टूट जाते हैं गाइस यार दिल ना सो बार टूटा सो बार जुड़ा भी है पर पराक्रम नहीं तोड़ेगा मतलब रील पे कर लेगा रियल में नहीं करेगा तो आपको लगता है वो रियल में कुछ और और रील पे कुछ और है अभी हाँ हा, क्योंकि रियल में वो बहुत अग्रेसिव है और वो फाड़ देता है और अभी वो बहुत प्वाइट है तो हाँ तो आपको लगता है आपको उनको माफ कर देना चाहिए जो उन्होंने आपके साथ किया है कर दिया मैं ग्रज नहीं रखती अपने दिल में मतलब कर दिया माफ जा सिमरन जा ऐसी और सनसनी खबरों देखने के लिए आप देखते रहे करम और कांड बुलेटिन